न्यूज स्टार में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं देश विदेश की ताजा खबरों की। जिससे गरीब मध्यम वर्गीय लोग बीमारी आने पर इलाज करा सके, इस कश्मकश भरे दौर में जब गरीब के घर बीमारी आती है तो वो बीमारी से ज्यादा प्राइवेट हॉस्पिटलों के खर्च से डर जाता है। वे अपने इलाज का खर्च कहां से लाए, क्योंकि आए दिन सोशल मीडिया में आता रहता है इस मरीज के इलाज का डॉक्टर ने इतना खर्च बताया है, मदद करो वगैरह वगैरह। हां, आपको ये भी बता दें, सरकार द्वारा अलग अलग कार्ड से सिलेक्टेड हॉस्पिटलों में फ्री सुविधा मिलती है, फिर भी बहुत से लोग वंचित रहते होंगे। इन सब से प्रेरित होकर आनंद जिला के खबात शहर काजी श्री मुदस्सर अली सायद साहब ने समाज के लोगों से अपील की और पहले क्लिनिक से शुरुआत कर अब 4 साल बाद अब हॉस्पिटल की आज शुरुआत की, जिसके उद्घाटन में मुख्य मेहमान डॉक्टर सैफी साहब व डॉक्टर मोइनुद्दीन सायद एमडी इमरजेंसी मेडिसिन व मुस्लिम अग्रणी सायद मुश्तक बापू जानिसार जी सायद मुनाफ अली व दीगर मुस्लिम अग्रणी उपस्थित रहे। आपको बता दें, ये कार्य किसी एक वर्ग के लिए नहीं, सभी धर्मों के गरीब वर्ग के लिए मामूली खर्च पर इलाज किया जाएगा। अल नूर ट्रस्ट द्वारा शुरू की गई सुविधा जैसे ओपीडी, डेंटल क्लिनिक, ऑर्थोपेडिक, स्किन, ईएनटी, किफायती दामों पर दवाया, लेबोरेटरी के साथ साथ अलग अलग रोगों ने जाने माने डॉक्टरों से इलाज और अद्यतन सुविधा दी जाएगी, ऐसा काजी साहब का कहना है। आपको सुनाते हैं क्या कहना है। खबात से दीवान हुसैन शाह की रिपोर्ट। ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था खंबात के खैर खाजी का तरफ से। जो खंबात की आवाम है, चाहे हिंदू हो मुस्लिम है, जो गरीब लोग है, जो बड़ी हॉस्पिटल में नहीं जा सकते थे, वो अपने तकलीफ के लिए इसके लिए बहुत ही अच्छा है। इसमें हर कौम के लोग फायदा लेंगे, इसका लाभ लेंगे और इसका इस्तेमाल करेंगे और अच्छे में अच्छा इसका कामयाबी इनको मिलेगी और इसका सवाब अल्लाह उनको देगा। क्योंकि खंबात के अंदर 500 रुपये काटना आज की तारीख में बहुत मुश्किल की बात है। ये कम फी में ये दवाखाना चल रहा है और उसके लिए हम उनको दुआएं देते हैं और उनको कामयाबी अता करे अल्लाह। ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था। कहना चाहूँगा अल्हम्दुलिल्लाह हमने अल नूर वेलफेयर ट्रस्ट शुरू किया, जिसमें बेसिक तौर पर हम एजुकेशन और मेडिकल को मद्देनजर रखते हुए समाज में और गरीब लोगों की सेवा करने के लिए, चाहे वो मेडिकल की हो चाहे वो एजुकेशन की लगती हो, उसलिए हमने ये प्लेटफॉर्म शुरू किया था। उसके माध्यम से हमने एक अल शिफा हेल्थ केयर क्लिनिक की शुरुआत की। आज वो 4 साल उसके मुकम्मल हुए हैं और साथ ही साथ एक नई बिल्डिंग भी हमने तैयार की है, जिसमें हम लोगों की खिदमत के लिए ना जात का भेदभाव रखे बगैर हर कौम के गरीब लोगों की हम अच्छी तरह खिदमत कर सके, ऐसी नीयत के साथ हमने शुरू की है। इस हॉस्पिटल में क्या क्या सुविधा है? इस हॉस्पिटल में अभी फिलहाल 2 टाइम जनरल ओपीडी चल रही है और साथ ही साथ जो बॉटल वगैरह चढ़ाने का प्रोग्राम होता है, जिसको जैसी जरूरत होती है डॉक्टर की हाजिरी में उसकी ट्रीटमेंट की जाती है। और आइंदा हमने फैसिलिटी बढ़ाते हुए इसमें अलग अलग डॉक्टर बुलाने का भी हमने इंतजाम किया है, जिसमें अलग अलग डॉक्टर आएंगे, जैसे चमड़ी के लगते रोग के लिए ईएनटी है, ऑर्थो है, पीडियाट्रिक है, फिजियोथेरापिस्ट है, अलग अलग जो भी निशान डॉक्टर है उनको लाने की हम इस मंच पर कोशिश करेंगे और लोगों की खिदमत का काम करते रहेंगे। आज हम अल नूर ट्रस्ट संचालित अल शिफा हॉस्पिटल 4 वर्ष पूरा करी नवा विस्तरण प्रोग्राम में नवा प्रीमाइसिस में शिफ्ट थी रही है। प्रसंगे में काजी साहेब तेमज मैनेजमेंट तेमज स्टाफगण सगला ने मुबारकबादी आपू छू। आज हम अल नूर ट्रस्ट संचालित अल शिफा हॉस्पिटल 4 वर्ष पूरा करी नवा विस्तरण प्रोग्राम में नवा प्रीमाइसिस में शिफ्ट थी रही है। ते प्रसंगे में काजी साहेब तेमज मैनेजमेंट तेमज स्टाफगण सगला ने मुबारकबादी आपू छू। अगर हमारी खबरें आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।